जून 1997 सऊदी एयरलाइन बोइंग 747 का एक विमान चेन्नई के ताम्बरम इंडियन एयरफोर्स के एक छोटे से एयरपोर्ट में फंसा हुआ था, क्योंकि इस एयरपोर्ट का रनवे बेहद ही छोटा था, जबकि बोइंग 747 एक विशालकाय प्लेन है। ऐसे विशाल प्लेन्स को टेक ऑफ कराने के लिए लगभग 10 से 11 हजार फीट रनवे की जरूरत पड़ती है, और अगर प्लेन का वेट कम हो तब भी इसे लगभग 8 हजार फीट रनवे की जरूरत पड़ती है। लेकिन ताम्बरम इंडियन एयरफोर्स का रनवे सिर्फ 4,965 फीट था। इतने छोटे से रनवे से बोइंग 747 का एक विशालकाय प्लेन कभी भी टेक ऑफ नहीं कर सकता था। क्या ये सऊदी का विमान चेन्नई के छोटे से एयरपोर्ट से कभी निकल पाया? इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर रनवे इतनी छोटी थी तो इतना विशालकाय प्लेन इस छोटे से एयरपोर्ट में आया तो आया कहां से? ये कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। जून 1997 सऊदी एयरलाइन 330 पैसेंजर्स और 17 क्रू मेंबर्स के साथ चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था। मौसम बेहद ही साफ थी, सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी एयरपोर्ट को साफ साफ देखा जा सकता था। चेन्नई एयरपोर्ट में 2 रनवे है। मौसम इतनी साफ थी कि पायलट दूर से ही रनवे का नंबर भी देख सकता था। पायलट अब धीरे धीरे विजुअल अप्रोच के साथ, यानी कि आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए, प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करने लगा। एटीसी ने कहा कि अभी थोड़ा रुक जाओ, एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा के वापस आओ और रनवे 07 पर लैंड करने के लिए अलाइन हो जाओ। सऊदी एयरलाइन अब चेन्नई के आसमान में चक्कर लगाने लगा। यहीं पर पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल चेन्नई एयरपोर्ट का चक्कर लगाते लगाते प्लेन को पास में ही चेन्नई ताम्बरम इंडियन एयरफोर्स की ओर ले गया। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ताम्बरम एयरफोर्स का एयरपोर्ट बेहद ही नजदीक था, इसलिए पायलट ने ये नोटिस भी नहीं किया कि ये चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है बल्कि एक छोटा सा एयरफोर्स बेस है। अब पायलट एयरफोर्स बेस में ही लैंडिंग की तैयारी करने लगा। दोस्तों, जब कभी भी पायलट्स किसी अनजान एयरपोर्ट में चले जाते हैं जहां उसने कभी भी टेक ऑफ या लैंडिंग नहीं किया हो, तो ऐसे केस में उन्हें आसपास के एरिया का ज्ञान नहीं होता। बात करें चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसके ठीक सामने इंडियन एयरफोर्स बेस था, जो दिखने में बिल्कुल ही चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह दिखता था। दोनों ही एयरपोर्ट्स में 2-2 रनवे है। दोनों के रनवे का डायरेक्शन भी सेम है। इतना ही नहीं, रनवे पर लिखा नंबर भी सेम था। सिर्फ एक रनवे का नंबर अलग था, और वो भी सिर्फ 20 डिग्री। चेन्नई एयरपोर्ट का रनवे का नंबर 07 था। इसी रनवे पर सऊदी एयरलाइन को लैंड करना था, जबकि एयरफोर्स का रनवे 07 नहीं बल्कि 20 डिग्री कम, यानी कि 05 था। पायलट को ये कहा गया था कि आप रनवे 07 से अलाइन होकर लैंडिंग की तैयारी करें। जब पायलट रनवे 07 के सीध में गया तो उसने देखा कि ये रनवे थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में है। अब क्योंकि रनवे 05 और रनवे 07 के बीच में महज 20 डिग्री का अंतर है और एयरपोर्ट में सिर्फ 2 ही रनवे था, इसलिए कंफ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। पायलट ने प्लेन को थोड़ा सा मोड़ दिया और ये 07 से 05 की ओर चला गया। इसके बाद ये रनवे से अलाइन हो गया। एयरफोर्स बेस के अधिकारी ये सब देखकर हैरान हो गए कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ये एयरपोर्ट तो सिर्फ छोटे प्राइवेट प्लेन्स और फाइटर प्लेन्स के लिए बनाया गया है, न कि विशाल जंबो प्लेन के लिए। यहाँ पर बोइंग 747 का एक विशालकाय प्लेन हमारे एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए क्यों आ रहा है? अब इंडियन एयरफोर्स बेस सऊदी एयरलाइन से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सऊदी एयरलाइन का रेडियो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ट्यून करके रखा था, न कि एयरफोर्स बेस को। इसलिए एयरफोर्स बेस के अधिकारी सऊदी एयरलाइन से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर एयरफोर्स वालों ने रेड लाइट गन फायर किया, जिसे हम फ्लेयर गन के नाम से भी जानते हैं। इस गन को तभी फायर किया जाता है जब लैंडिंग प्रोसेस को रोकना रहता है। इस गन को तो फायर कर दिया गया, लेकिन सऊदी एयरलाइन का पायलट दिन के उजाले में इस फ्लेयर गन के लाइट को देख नहीं पाया। अब सऊदी एयरलाइन धीरे धीरे एयरफोर्स बेस के नजदीक आता गया। उधर चेन्नई एटीसी इस सोच में पड़े हुए थे कि हमने तो सऊदी एयरलाइन को एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने को कहा था, लेकिन ये प्लेन तो चक्कर लगाकर वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्लेन के लोकेशन को रडार में देखने के लिए सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार लगाया गया था। एटीसी अपने मॉनिटर पर ही देख सकते हैं कि कौन सा प्लेन कहां पर है, लेकिन अफसोस ये रडार उस दिन वर्किंग कंडीशन में नहीं था।
उधर एयरफोर्स बेस के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC को कॉल किया और कहा कि भाई ये सब हो क्या रहा है, बोइंग 747 का एक विशालकाय प्लेन हमारे रनवे पर लैंडिंग करने के लिए क्यों आ रहा है। अब चेन्नई ATC को ये बात सुनकर जोर का झटका लगा। तुरंत ही उसने सऊदी एयरलाइन को रेडियो कॉल किया, पर किसी वजह से उस वक्त रेडियो कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। अब सऊदी एयरलाइन बोइंग 747 एक ऐसे रनवे पर लैंड करने के लिए निकल पड़ा जो उसके लिए बना ही नहीं था। अब सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ चुकी थी। प्लेन में FMS यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये सिस्टम पायलट को लैंडिंग कराते समय गाइड करता है। सपोज ATC ये कहता है कि रनवे 07 खाली है, आप इस रनवे पर लैंडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर पायलट उस रनवे के नंबर को यानी कि 07 को फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में टाइप कर देगा और इस तरह से ऑटो पायलट को ये पता चल जाता है कि प्लेन को रनवे 07 पर लैंड कराना है। न सिर्फ रनवे का नंबर बल्कि एयरपोर्ट का एक यूनिक कोड होता है, इस कोड को भी FMS में डाला जाता है। इतना सब फील करने के बाद ऑटो पायलट एक रास्ता दिखा देता है कि किस तरह से पायलट को मोड़ते हुए रनवे 07 से अलाइन करना है। अगर गलती से भी पायलट कंफ्यूज होकर किसी दूसरे रनवे पर चले जाते हैं तो ऑटो पायलट ये साफ साफ बता देगा कि यहाँ पर लैंड करना ही नहीं है। लेकिन सऊदी एयरलाइन का पायलट फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज नहीं कर रहा था, उन्होंने लैंडिंग इनपुट को फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं डाला था, यानी कि ऑटो पायलट को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि प्लेन को किस एयरपोर्ट में लैंड कराना है, किस रनवे पर लैंड कराना है। पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ पायलट के हाथों में था, किसी भी तरह का कोई भी ऑटो पायलट पायलट्स को गाइड करने वाला नहीं था। यही वजह है कि सऊदी एयरलाइन उस छोटे से एयरफोर्स बेस की ओर बढ़ता गया लैंडिंग करने के लिए। जब प्लेन रनवे के बेहद नजदीक आ गया तब पायलट को ये समझ में आया कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। अब पायलट के पास दो रास्ते थे, प्लेन को किसी तरह से रनवे पर टच डाउन करा के थ्रस्ट लीवर को फुल कर देना, इससे प्लेन रनवे पर टच डाउन तो करेगा, इसके बाद धीरे धीरे स्पीड के बढ़ने की वजह से फिर से ये प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा ये था कि अगर स्पीड को बढ़ाने के बावजूद भी प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया तो ये प्लेन रनवे के आगे कहीं क्रैश हो सकता है। अब क्योंकि पायलट स्पीड को बढ़ा रहे थे इसलिए ये प्लेन अपने मैक्सिमम पावर के साथ क्रैश होगा, ऐसे में एक बहुत बड़ी तबाही भी हो सकती है। यहाँ पर सऊदी एयरलाइन के पायलट ने दूसरा रास्ता चुना। प्लेन रनवे पर टच डाउन करते ही उन्होंने प्लेन को रनवे पर उतार दिया और फुल रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल किया और मैक्सिमम डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को धीमा करने की कोशिश करने लगा। मैक्सिमम ब्रेक का इस्तेमाल करने से प्लेन के टायर्स बुरी तरह से रगड़ खाने लगा और प्लेन अनबैलेंस होते हुए रनवे से बाहर चला गया। पर ये प्लेन किसी से टकराया नहीं बल्कि ये सही सलामत रनवे के बाहर रुक गया। यहाँ पर पायलट को ये नहीं पता था कि रनवे की लंबाई कितनी है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, एक प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए अधिक लंबे रनवे की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसी प्लेन को लैंड कराने के लिए उतने रनवे की जरूरत नहीं पड़ती जितने की टेक ऑफ में जरूरत पड़ती है। ऐसा संभव इसीलिए हो पाता है क्योंकि आजकल के एडवांस प्लेन में एंटी स्किड सिस्टम लगा होता है जो कि लैंडिंग के दौरान लैंडिंग डिस्टेंस को छोटा कर देता है, इसलिए आज के दौर के आधुनिक प्लेन्स में फुल रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि व्हील का ब्रेक पैड ही इतना पावरफुल होता है कि फुल रिवर्स थ्रस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं अगर हम बात करें पुराने प्लेन्स की तो उन प्लेन्स का ब्रेक उतना पावरफुल नहीं होता, इसलिए उन प्लेन्स में अधिक रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि सऊदी एयरलाइन के इस लैंडिंग में सभी लोगों की जान बच गई, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई कि चलो ये प्लेन किसी तरह से लैंड तो कर गया, लेकिन अब क्या किया जाए, कैसे इस प्लेन को वापस चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाया जाए। इतने छोटे से रनवे पर एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से ये प्लेन छोटे से रनवे पर लैंडिंग तो कर गया, लेकिन इतने छोटे रनवे से इस प्लेन को टेक ऑफ कराना इम्पॉसिबल हो गया। कुछ दिनों बाद एयरफोर्स अधिकारी भी सऊदी एयरलाइन को फोर्स करने लगे कि भाई अपना प्लेन ले जाओ, हमें आपके प्लेन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारे पास इतने बड़े बड़े पार्किंग एरिया नहीं है कि विशाल बोइंग 747 जैसे प्लेन्स को रखा जाए। यहाँ पर सऊदी एयरलाइन वाले भी परेशान थे कि इतने विशाल प्लेन को एयरपोर्ट से ले जाएं तो कैसे ले जाएं? इतने बड़े प्लेन को उठाकर किसी ट्रक में लोड करके ले जाना तो संभव नहीं था। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक मीटिंग अरेंज किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि इनके विंग्स को खोलकर
ट्रक में लोड करके ले जाना सही रहेगा। वेल, ऐसा करना तो सही था, लेकिन ऐसा करने में बहुत ही लंबा समय लगने वाला था और बहुत सारे पैसे की बर्बादी भी हो जाती। दिन ब दिन सऊदी एयरलाइन को ये नोटिस मिल रहा था कि जल्दी से मेरे एयरपोर्ट को खाली करो। फाइनली बहुत ही सोच समझ कर ये डिसीजन लिया गया, इस प्लेन को टेक ऑफ कराना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। प्लेन में बेहद ही कम फ्यूल डाला गया ताकि प्लेन का वजन अधिक ना बढ़ सके। प्लेन के केबिन का ऑलमोस्ट हर एक पार्ट को रिमूव कर दिया गया, प्लेन के एसी को हटा दिया गया, सारे चेयर्स को खोलकर निकाल दिया गया, हर एक चीज को खोलकर निकाल दिया गया जो जरूरी नहीं था। अब इंतजार था तो सिर्फ हवा के बहाव का। सऊदी एयरलाइन के इंजीनियर्स टेलविंड का इंतजार कर रहे थे, यानी कि वो वक्त जब हवा का बहाव प्लेन के पीछे से हो ताकि ये हवा प्लेन को और आगे की ओर धकेले और प्लेन में कम से कम ड्रैग क्रिएट हो। घटना के चार दिन बाद टेक ऑफ करने का सही समय आ गया। कैप्टन जेम जूम इस बड़े से प्लेन को इस छोटे से एयरपोर्ट से टेक ऑफ करा के चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर ले गया और सुरक्षित प्लेन को लैंड करा दिया। जैसा नाम वैसा ही काम, कैप्टन जेम जूम। इस काम को अंजाम देने के लिए कैप्टन को ढेर सारा पैसा मिला। वेल, पैसा तो मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये टेक ऑफ फेल हो जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। ताम्बरम इंडियन एयरफोर्स बेस ने सऊदी एयरलाइन के पार्किंग चार्ज के तौर पर 3,23,47,928 रुपए और 24 पैसे चार्ज किया। अगर हम आज के रुपीस में देखें तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेन की जो गलती से गलत रनवे पर लैंड कर गया, जो गलती से गलत जगह पर लैंड कर गया। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल डीजीएनडी न्यूज फॉर मोर इंस्पिरेशनल वीडियोज़।